तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग मूवी के बारे में, राजा साहब के बारे में। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई दोस्तों, राजा साहब की जो हीरोइन है, फीमेल एक्टर है दोस्तों, उसका पता चल चुका भाई कौन सी होने वाली है। और कई सारी बातें करने वाला हूँ भाई राजा साहब के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। आप सबको तो पता है कि प्रभास की जो पिछली फिल्म है सालार मूवी दोस्तों, ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसका क्लेश दोस्तों डंकी से हुआ था। डंकी भी भाई अच्छी खासी भाई इसके सामने भाई अच्छी पारी खेली, और दोस्तों लंबी पारी खेल कर भाई पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया एक दोस्तों भाई एक खतरनाक टीम के सामने। क्योंकि भाई दोनों फिल्मों को कंपेयर कर दो भाई, प्रभास और शाहरुख खान का कंपेयर कर दो भाई, शाहरुख खान सबसे बड़ा एक्टर है बॉलीवुड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों मूवी का कंपेयर कर दो भाई, उस वक्त उस लेवल की मूवी देखो तो, उस जनरेशन की सोच के हिसाब से मूवी देखो तो भाई साहब एक सालार मूवी डंकी मूवी से बड़ी मूवी थी। लेकिन भाई एक बड़ी मूवी को टक्कर देते हुए भाई डंकी मूवी ने एक अच्छे कलेक्शन करा। और दोस्तों भाई अच्छे एक्टर की यही पहचान होती है कि भाई खराब फिल्म से भी कमा कर भाई अच्छी फिल्म को दोस्तों भाई टक्कर दे भाई, यही होता है असली एक्टर। उसके अंदर चाहे शाहरुख खान होता, प्रभास होता, कोई भी होता, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। अब अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भाई प्रभास की जो फिल्म है, जो कि दोस्तों सालार 2 के बाद शायद आ सकती है 2025 में, राजा साहब जो एक रोमांटिक हॉरर रोमांस वाली मूवी होने वाली दोस्तों, कॉमेडी मूवी होने वाली, हॉरर मूवी होने वाली, इस तरह की लेवल की मूवी होने वाली, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों यहां पर देखा जाए तो। इसकी हीरोइन का पता चल चुका है, जो कि भाई है मालविका मोहनन दोस्तों, ये इसकी फीमेल एक्टर है। जो कि दोस्तों एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो, इस मूवी के जो डायरेक्टर साहब होने वाले हैं वो हैं मारुति दसानी दोस्तों, जो कि 10 जनवरी 2025 में रिलीज करने की प्लानिंग चली है दोस्तों राजा साहब की, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों। 2025 में प्रभास की दो फिल्म आएंगी, एक तो आएगी भाई सालार 2, जो कि भाई दिसंबर के महीने में, इस तरह की बातें बताई जा रही है दोस्तों भाई रिलीज़ कर जाएगी। और दूसरी मूवी आएगी दोस्तों राजा साहब, जो कि साल में दोस्तों दो मूवी आ सकती है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। दोनों मूवी एक पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ कर जाएगी दोस्तों। कई सारी पहले मूवी हुआ करती थी दोस्तों, जहाँ का वो एक्टर है दोस्तों, जैसे कि शाहरुख खान हिंदी एक्टर भाई हिंदी में रिलीज़ करी जाएगी। लेकिन भाई अब हर कोई पूरे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करना चाहता है, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। मेरे हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि भाई इससे पहले प्रभास की कई सारी फिल्म आ चुकी है, जैसे कि भाई राधे श्याम शाह हो, इसी लेवल पर इसी टोच पर दोस्तों बेस्ट थी वो मूवी, लेकिन भाई जनता ने नकार दिया। ओपनिंग अच्छी खासी उठाती है, क्योंकि भाई पता नहीं कैसे उठाती है, लेकिन भाई उठा लेती है। उसके बाद दोस्तों भाई ये धड़ाम से गिरती है ना भाई साहब, यहाँ पर देखा जाए तो एकदम भाई सारों खाने चित हो जाते हैं भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। बाकी आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट रहेगी, फ्लॉप रहेगी? मेरा अभी से सर्वे, अभी मेरा ओपिनियन है दोस्तों, ये मूवी दोस्तों एवरेज ही रहेगी या फिर दोस्तों फ्लॉप होगी भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो। इस तरह की बातें बताई जा रही है। इस मूवी का बजट तकरीबन 300 करोड़ 250 करोड़ आसपास बताया जा रहा है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों 250 करोड़ से ऊपर ही है, क्योंकि भाई इस लेवल का एक्टर है, कई सारे स्टार कास्ट हैं, और दोस्तों एक पैन इंडिया मूवी है तो भाई इतना बजट तो हो ही जाएगा। बाकी आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।